कोविड 19 संक्रमण के लिए वैक्सीनेशन कार्य पूरे देश भर में बड़ी तेजी से चल रहा है। उसी क्रम में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलतरा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बी आर वर्मा व खंड चिकित्सा अधिकारी बीपीएम अनिल गढ़ेवाल के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार बेलतरा पीएससी प्रभारी घनश्याम तिवारी एवं वैक्सीनेशन प्रभारी राजेश राठौर के द्वारा आज 18 प्लस टीकाकरण प्रारंभ हुआ, जिसमें 100 खुराक टीकाकरण प्राप्त हुआ था और आज 100 लोगों ने उत्साह टीकाकरण करवाया। साथ साथ एंटीजन टेस्ट भी केंद्र में हो रहा है। राधेश्याम कोरी एवं उनकी पत्नी श्रीमती मिथिला देवी कोरी ने भी देश से इस कोरोना को भगाने की कड़ी में अपनी सहभागिता निभाते हुए कोरोना वैक्सीनेशन करवाया। साथ ही लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन कार्य जीवनदायिनी है, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। टीकाकरण से दुष्प्रभाव या तबीयत खराब हो रही है, जो बिल्कुल गलत बात है। वैक्सीनेशन से कोई दुष्प्रभाव नहीं है। टीका अवश्य लगवाएं, साथ ही टेस्ट भी करवाएं, ताकि परिवार आसपास के लोग सुरक्षित रहें। आपको टीकाकरण कराने के पश्चात किस प्रकार की कोई समस्या या तो नहीं हो रही है, या कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, टीकाकरण कराने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन में कुछ उत्साह था और हमने आज दंपत्ति सहित टीकाकरण करवाए और आज देखने को मिला यहाँ पे कि उत्सुकता बहुत ज्यादा है। 18 प्लस में मेरे को लग रहा है कि लोगों में अब जागरूकता आ रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझाने की आवश्यकता है। आज 18 प्लस जो कोविड 19 का टीकाकरण हो रहा है, उस संबंध में आपसे जानकारी चाहूंगा कि कुछ भीड़ ज्यादा देखने को मिला, इसका कारण क्या है? देखिए, क्योंकि यहाँ जो है बिलतरा में जागरूकता कमी हो रहा है, सब बाहर से आ रहे हैं ब्लास्ट की तरफ से, और बहुत कम इधर जागरूकता मिल रहा है, माने बिलतरा में जी। बाहर के लोग आ रहे हैं बिलतरा पीएससी के लिए घूमते ही, लेकिन गांव के लिए बिल्कुल उत्सुकता नहीं है। आज यहाँ टोटल कितना डोज पहुंचा है? अभी यहाँ 100 डोज पहुंचा है आज का टारगेट जो है, उसमें का 70 हो चुका है। 70 हो चुका है। आपका नाम? घनश्याम तिवारी, आ रहे हैं पीएससी प्रभारी बिलतरा।